हे दोस्तों, वेलकम टू द टेक एडवाइज़र। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं जियो की एक न्यू शॉकिंग स्कैम के बारे में आपके साथ बात करने हूँ। तो आप कुछ दिन से ये ख्याल करता होगा कि आपको जो फ़ोन का SMS है वो SMS बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर बहुत सारा जियो रिलेटेड जो SMS है, SMS फॉरवर्ड होकर आ रहा है। तो ये SMS कुछ ऐसा रहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, रिलायंस जियो गिविंग फ्री 25 GB डेटा फॉर डेली 3 मंथ्स। लेकिन ये एक स्कैम है, और ये एक स्कैम कैसे है मैं विथ प्रूफ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, मेरे फ़ोन में जो SMS में एक SMS आया है, तो मेरे एक अंकल ने मुझे ये SMS फॉरवर्ड करके दिया था। एक्चुअली मुझे लगता है उनको भी मालूम नहीं है कि स्कैम हो रहा है। तो ये देखिए, जब मैंने जब लिंक पर क्लिक करता हूँ, लिंक पर क्लिक करने के बाद जो लिंक ओपन होता है मेरे गूगल क्रोम पे, ओपन होने के बाद मुझे एक एप्स जो खुल जाता है और मुझे दिखता है कि APK डाउनलोड के लिए बोल रहा है, जिस APK का नेम है जियो ऑफर। तो आइए देखते हैं इस APK डाउनलोड करके। तो ये देखिए, मैंने APK डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो APK होगा डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद आपको कहेंगे कि APK आप इंस्टॉल कर ले। तो दोस्तों, पहले आप ये चेक करना ज़रूरी है कि ये जो ऐप्स आपको डाउनलोड कर रहा है, ये ऐप्स आपको किस किस बारे में परमिशन आपसे ले रहा है। ये SMS के परमिशन, कॉल के परमिशन, आपकी लोकेशन की परमिशन, क्या क्या ले रहा है। और दूसरे बात आपको जो ध्यान देना चाहिए वो है कि ये ऐप्स आप प्ले स्टोर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इस ऐप्स को इंस्टॉल कर लिया। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों देख सकता है मेरे फ़ोन में जो ये ऐप्स आ गया, ये देखिए जियो ऑफर्स नाम के एक ऐप्स आ गया है, जिसका लोगो सेम टू सेम जियो का ही है। लेकिन ये एक फ्रॉड ऐप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों, मैं जब प्ले स्टोर में इस ऐप्स के बारे में सर्च किया, तो देखिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने जियो ऑफर सर्च किया, लेकिन इस टाइप का कोई ऐप्स आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, प्ले स्टोर में आप जब कोई ऐप अपलोड करते हैं, उस अपलोड करने के लिए उसका जो कुछ टर्म्स और कंडीशन होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है, और कोई फ्रॉड और चीटिंग ऐप जो इधर अपलोड नहीं कर सकता है आप, तो इसीलिए ये जो ऐप्स प्ले स्टोर में अपलोड पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मैं दिखा देता हूँ ऐप्स में आपके क्या क्या मिलता है। तो मैंने ऐप्स में क्लिक करने के बाद देखिए, इधर कुछ लॉगिन हो रहा है, और मैंने अपना नंबर डाला भी नहीं, ऑटोमेटिक लॉगिन करके जो मेरा नंबर है देखिए इधर जो पकड़ लिया, उसके साथ मैं जिस फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन का मॉडल नंबर भी इधर आ गया। तो उसके साथ देखिए, मुझे यह शो हो रहा है कि ऑफर में डेली 25 GB डेटा फॉर 3 मंथ्स। ये ऑफर दोस्तों सभी के लिए शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली काम नहीं करेगा। कैसे काम नहीं करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं जब आप जब एक्टिव ऑफर पर क्लिक करते हैं, तो ये देखा था कनेक्टिंग टू द जियो सर्वर। कनेक्टिंग होने के बाद ये आपको ऑफर के लिए रजिस्टर कर देता है, और आपकी फोन नंबर वगैरह कुछ चेकिंग ऐसा कर लेता है। करने के बाद जो फाइनल स्टेप आती है, स्टेप आने के बाद जो कंग्रेचुलेशन, आपने जो ये जो ऑफर है जीत गया। लेकिन उसके बाद जब आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद आपको जो बोलता है कि जियो की ऑफर को आप 10 WhatsApp नंबर पर शेयर कीजिए, उसके बाद ही आपको ये ऑफर मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने शेयर करने की जो प्रयास कर रहा हूँ, तो इधर ऑप्शन आ गया शेयर ऑन व्हाट्सएप। दोस्तों, मैं शेयर पर क्लिक करता हूँ, लेकिन बिना शेयर के वगैरह मैं जब बैक में आ जाता हूँ, तो देखिए इधर जो काउंट है, काउंट ऑलरेडी घट गया। लेकिन इसके बाद मतलब ये हुआ कि आप अगर शेयर करें या फिर ना करें, लेकिन ये काउंट होता रहेगा। तो एक्चुअली ये एक ऑफिशियली मैन्युफैक्चरर है, जो कि एक लर्निंग मशीन की तरह काम करता है, कि आप जब इस शेयर आइकन पर क्लिक करते हैं, तो ये पकड़ लेते हैं कि आप शेयर कर दिया, आप करें या फिर ना करें, ये दोस्तों कई बात नहीं आती। और सबसे ज़्यादा मुझे जो तजब चीज़ ये लगी कि मैंने जब शेयर बटन पे क्लिक किया ना, तो मेरे नंबर से मेरे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट का नंबर है, उन सारे नंबर पर जिस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं खुला हुआ था, उन नंबर पर मेरे नंबर से जो SMS गया, मैं उसका प्रूफ बाद में देता हूँ। देखिए इधर बोलता है कि मेरे काम फिनिश हो गया। मैं इसके बाद डन में क्लिक कर देता हूँ, ये फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन दिखा रहा है हमें। देखिए, तो उसके बाद आप मेरे को कहता है कि कुछ ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए, मैं जब ऐप्स क्रॉस कर देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, लेकिन ये बार बार हमें यही देखा रहा है कि ऐप्स इंस्टॉल कर रहा है, ऐप्स के ऊपर क्लिक करो। देखिए, मैंने जब ऐप्स के ऊपर क्लिक किया, तो ये ऐप्स हमें सीधा कोई दूसरे प्ले स्टोर की ऐप्स पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जितने बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, उतने बार ये नया नया ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, और ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमें ऐप्स पर ले जाता है, लेकिन एक्चुअली ऑफर काम नहीं करता है। उसके साथ इस ऐप्स जो है हमको, हमारे साथ चीट कर रहा है, इसका और एक मैं बिगेस्ट प्रूफ देना चाहता हूँ। ये ऐप्स देखिए, आपके परमिशन की बगैर आपके फ़ोन में, फ़ोन से दोस्तों SMS हर एक पीपल को भेज रहा है। ये देखिए दोस्तों, मेरे फ़ोन में जितने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उस सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पर ये जो SMS भेज रहा है, और मेरे जियो का जो 100 SMS था, वो 100 SMS इन लोगों ने सेंड कर दिया ऑलरेडी टूडे के लिए। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, और जो SMS ये जा रहा है, ये हमको फेल दिखा रहा है। इसीलिए फेल दिखा रहा है दोस्तों, मेरे यहाँ जियो से अर्निंग आ गया कि 100 SMS है, बट दिन डे के लिए वो दोस्तों खत्म हो गया। दोस्तों ये देखिए, मैं आपको जियो का जो SMS भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा बहुत पहले मेरे यहाँ पर आई है कि जब मेरे जो जियो है, जियो का जो हमारी आज का 100 SMS फ्री था,
वो फ्री एसएमएस हमारी यहाँ से जो हो गया। तो दोस्तों आप देख सकता है कितना सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, इस सारी कॉन्ट्रैक्ट्स को ये हमारी परमिशन के बगैर इसे एसएमएस जो भेज रहा है। ये देखिए दोस्तों मेरा आज का जियो का न्यूज़, ये दोस्तों जियो के एसएमएस के मुताबिक हमारी जो आज 100 जो फ्री एसएमएस थी वो एसएमएस खत्म हो गया। इसके वजह ये है कि आपकी परमिशन के बगैर ये आपकी फ़ोन को यूज़ कर रहा है, और इसमें ये चांस ज़्यादा रहते हैं कि आपको तो ये ऑफर मिलेगा नहीं, उसके बगैर आपको जो डेटा है डेटा लीकेज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये देखिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर ये परमिशन ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन हमारे से ये परमिशन मांगा ही नहीं, और जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ साथ जो मेरे सिम का जो एसएमएस है एसएमएस भी ऑलरेडी ये कर रहा है, और उसके साथ जो हमारे लोकेशन लोकेशन के परमिशन भी ये यूज़ कर रहा है। तो ये एक तरफ की चीट है, हो सकता है दोस्तों इस सारे डेटा को कलेक्ट करके ये कोई फायदा लूट रहा है, या फिर आपको फोन को हैक कर सकता है, या फिर आपको जो डेटा बाहर से लीकेज कर सकता है। और इसके साथ ये जो फ्रॉड ऐप है ये आप देखिए, आप कहीं भी अगर ये ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी फोन से आपकी परमिशन के बगैर ये एसएमएस दूसरे तरफ की जो इधर देखिए फॉरवर्ड शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों मैंने किसी को भी एसएमएस नहीं भेजा, लेकिन उसके बाद भी एसएमएस जा रहा है। और मुद्दे की बात ये है जो मेरे ऑफर के लिए ये ऐप्स इंस्टॉल किया उस ऑफर भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद मेरे जो डाउट है, डाउट क्लियर करने के लिए मैंने जियो के ऑफिशियल वेबसाइट में गया कि सच्ची में ऐसा कोई ऑफर जियो दे रहा है या नहीं दे रहा है। दोस्तों मुझे पहले लगा था कि अब जो आईपीएल का सीज़न है तो मुंबई के कोई विनिंग्स विन करने के मुंबई इंडियंस के कोई मैच जीतने पर हो सकता है जियो ऐसे कुछ ऑफर दे देता है, लेकिन दोस्तों मैं पूरा जियो की वेबसाइट चेक किया हूँ और इस वेबसाइट में मुझे कोई इस तरफ की जो ऑफर नहीं मिला है। तो आप बता सकता है ये सरासर एक झूठ है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट ये रहेगा, तो दोस्तों अगर इस तरफ के कोई एसएमएस आपके फ़ोन में आए तो आप इस लिंक पर कभी क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लिक बेट है, इसमें जो आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका डेटा लीकेज हो सकता है, चोरी हो सकता है, या फिर आपके साथ कोई भी छेड़छाड़ हो सकता है। क्योंकि आप खुद ने देखा है कि ये कैसे कि हमारी परमिशन के बगैर एसएमएस भेज दे रहा है और हमारे जो डेटा है जो कॉन्टैक्ट्स है वो इसका जो एक्सेस कर रहा है। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट आएगा कि आप आपके कोई भी फ्रेंड को ये इस तरफ की जो ट्रस्टेड नहीं है अनट्रस्टेड जो एसएमएस है और लिंक है ये कभी फॉरवर्ड मत कीजिए। और उसके साथ आपके पास अगर ऐसा कोई जो एसएमएस आ जाए तो आप कृपया करके उस एसएमएस को दोस्तों क्लिक मत कीजिए, इससे कि आपके खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप बताएं कि आपको इस वीडियो कैसा लगा। और उसके साथ आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। सी यू इन द नेक्स्ट ऑन अगली वीडियो में आप और कुछ जो धांसू लेकर आ रहा हो।